नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और इस क्लास में बहुत ही चुने गए क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 31। चंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा के द्वारा करवाया गया है? तो आपको बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो सेकेंड आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा, चंदेल वंश द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर शिव मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 है। आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो जयंतिया पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, किरथार पहाड़ियाँ। तो 32 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, विंध्य पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है। मुगल अपने मंगोल वंशी संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशी संबद्धता पर ज़्यादा बल देते थे, क्यों? क्योंकि वे अपनी पितृ वंशी संबद्धता को वरीयता देना चाहते थे। तैमूर वंशियों ने मंगोलों का को हराया। मंगोल उच्च वेगों से संबंधित थे। तैमूर वंशज कवियों और चित्रकारों को संरक्षण देते थे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो थर्ड हो जाएगा, मंगोल उच्च वेगों से संबंधित थे, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय विषम जोड़ा है? दार्शनिक, परंपरा और संस्थापक। तो यहाँ पर जो विषम जोड़ा है वो फोर्थ ऑप्शन है, वेदांत जैमिनी। वेदांत जैमिनी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, विषम जोड़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 है। महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था, तो किसे दिया जाता था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गांव के मुखिया को। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 है। सुधारकों का उनके सुधार आंदोलन से सही मिलान करें। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया, पेरियार। तो पेरियार का जो संबंध हो जाएगा स्वाभिमान आंदोलन, और घासीदास का जो मिलान हो जाएगा सतनामी आंदोलन से, केशव चंद्र सेन का जो मिलान होगा ब्रह्म समाज से, और हेनरी डिरोजियो का जो मिलान होगा यंग बंगाल से। तो सही विकल्प की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सेकेंड विकल्प जो है सही जवाब हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, और सी का फर्स्ट, और डी का सेकेंड सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है। उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, सिंह सभा सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 है। ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से कर पाए या दे पाए? तो 41 का जो आंसर होगा ऑप्शन फोर हो जाएगा, बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 है। भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी सन आपको यहां पर बताना है। तो राइट आंसर जो होगा सेकंड विकल्प हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप लागू हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक की यदि हम बात करें तो 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? तो पुराने वलित पर्वत का जो उदाहरण है इनमें से थर्ड विकल्प हो जाएगा, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत प्राचीन वलित पर्वत है और अन्य प्राचीन वलित पर्वत अप्लेसियन, असवली और विंध्यांचल हैं, और ये पर्वत लहरदार होते हैं और इनमें अभिनीतियाँ और अपनीतियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 46 है। अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 46 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड विकल्प, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ए सी डी विकल्प इसका सही जवाब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? तो कर्क रेखा ऑप्शन सेकंड सही जवाब हो जाएगा, विंध्य श्रृंखला से। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है। लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा? तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, 9:30 बजे होंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो थर्ड विकल्प हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 है। दी गई ए व बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। इसमें ओजोन गैस की परत होती है या बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है? तो राइट आंसर सेकेंड विकल्प हो जाएगा, समताप मंडल। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 54 है, स्टील पर मकान क्यों बनाए जाते हैं? तो 54 का यहाँ पर आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 है, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? तो प्रतिनिधि के रूप में लोकतांत्रिक सरकार को जाना जाता है, लोकतांत्रिक सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 है, जब संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो 64 का यहाँ पर आपको आंसर देना है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, संघीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक को महिला अधिकार कार्यकर्ता रामाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर होगा वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। अगला क्वेश्चन 66, कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है विषय पर चर्चा में कौन सा उदाहरण स्थान पाएगा? तो 66 का आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़े होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, कोई भी नागरिक केवल धर्म नस्ल जाति लिंग जन्मस्थल या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों सार्वजनिक रेस्तरा होटल सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक तो पहुंचने के संबंध में किसी भी विकलांगता दायित्व प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपयुक्त कथन पर प्रकाश डाला गया है? तो 67 का यहाँ पर आंसर की बात करें तो सेकेंड विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 15। ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? तो 68 का जहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4-1 यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 69, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 69, तो राइट आंसर हो जाएगा आर सच्चर समिति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुए? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों और नस्ली भेदभाव को मिटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं? तो 73 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में अध्यापन एक गांव की कहानी से शुरू करता है जहां सभी लोग गांव का मुखिया चुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, यह कहानी निम्न में से किस विषय पर चर्चा आरंभ करने के लिए उपयुक्त रहेगी? तो 74 का आंसर यहां पर बनेगा फर्स्ट ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 है, एक शिक्षक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया, अगर श्याम सुल्ताना और नेंसी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 31 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला मंगल शुक्र और बुध का, बुध शुक्र मंगल एवं पृथ्वी को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश होते हैं, यह सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 32 है, ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट ए सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं, तो रूढ़ प्रतीक आपको बताना है यहाँ पर कौन से होते हैं? तो राइट आंसर होगा वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है, कीड़े मकोड़ों की एक प्रजाति, पौधों जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं, घर जिनमें तीव्र ढलान वाली छत होती है। तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, स्टैक निम्न में से किसकी अपरदन विशेषता है? तो राइट आंसर थर्ड विकल्प हो जाएगा समुद्री तरंग की, स्टैक समुद्री तरंग के अपरदन की विशेषता है, समुद्री तट पर कई प्रकार की अपरदन की प्रक्रिया चलती है जैसे भ्रगु वेदिकाएँ कंदराएँ और स्टैक, समुद्री मैदान स्टैक की प्रक्रिया द्वारा ही बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 40, यहाँ पर दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। ए है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो राइट आंसर 40 का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बाह्य वायुमंडल। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 42 है, खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए ऑप्शन है, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अभ्रक और क्रोमाइट अलावा खनिज हैं जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं, उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। तो 42 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए सी डी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था, इनमें से कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, राजनैतिक और सैनिक कार्य। नेक्स्ट, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? तो 50 का आंसर आपको यहां पर देना है, तो इसका जो सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, कश्मीर के बकरवाल इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किससे उत्पन्न हुई हैं? तो 52 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बाह्य लिपि। अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियाँ बाह्य लिपि से विकसित हुई हैं और इस लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा और इसे भारत की सबसे पुरानी लिपि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 है, देश का उसके उपनिवेश के साथ मिलान करें, सूची फर्स्ट को सेकंड से आपको मिलान करना है। तो 54 में पहला ऑप्शन है फ्रांस, तो फ्रांस का हो जाएगा सेंट डोमिंग्यू से, पुर्तगाल का हो जाएगा ब्राज़ील से, और इंग्लैंड का जो मिलान हो जाएगा जमैका से, और स्पेन का वेनेजुएला से। तो राइट विकल्प की बात करें तो सेकंड विकल्प यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। अगला क्वेश्चन 56 है, आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, यह अकबरनामा का दूसरा भाग वैलूम है, या अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, या लोगों की परंपरा और संस्कृति का विवरण देती है, या बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी विवरण देती है। सही विकल्प का चयन करें। तो 56 का आपको आंसर देना है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सी और डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे? पात्र, ताड़पत्र, कागज, लकड़ी की तख्ती। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बी और सी और डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था? तो 58 का यहाँ पर आंसर जो होगा इब्न बतूता, इसका राइट जवाब बन जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा प्रतिष्ठा की समानता। संविधान की प्रस्तावना में दो प्रकार की समानता की चर्चा है, पहली प्रतिष्ठा की समानता, दूसरी अवसर की समानता। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, और यहाँ समता से आशय किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति तथा सभी को समान अवसर उपलब्ध प्रदान कराना है। समता के अधिकारों का विस्तृत वर्णन मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड, वार्ड काउंसिलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किसका पूर्ववर्ती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय का। ब्रिटिश भारत में यहाँ की सर्वोच्च न्यायिक संस्था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी, और इस संस्था को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। भारत में संघीय न्यायालय का प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया है, और 1947 में स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए। तो यहाँ पर 67 का जो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कानूनी सहायता। संविधान के भाग फोर्थ में उल्लेखित नीति निदेशक तत्व का प्रावधान 36 से 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 39A जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, न्यायमूर्ति राजिंदर सचर्स कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हास्यकरण पर अध्ययन किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मुस्लिम। नेक्स्ट 70 है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार बनी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा महासागर वेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्षोभ मंडल। वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 स्तरों में बांटा गया है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा तापमंडल, पाँचवा वायुमंडल। तो समस्त मौसमी जो घटनाएं होती हैं जैसे वर्षा है, कुहासा, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। 37, अग्नेश शैल के बारे में कथन ABC पर विचार करें था, सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है, अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण अग्नेश शैल में बदल जाते हैं। ये शैल पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी के काफ़ी अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहती हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट अग्नेश शैल के उदाहरण हैं। तो 37 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बी और सी सही है, ए गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां तथा उत्तर में जैस्कर पर्वत स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब बनेगा। वर्तमान में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख हिमालय के भ्रष्ट छाया प्रदेश में अवस्थित है और यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, इसे शीत मरुस्थल कहते हैं। यहाँ ग्रेमी हिमानी भी अवस्थित है। यह जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीरी घाटों से जुड़ा हुआ है। तो लद्दाख की राजधानी की बात करें तो लेह है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 39, स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग निम्न में से किनको जोड़ता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, तरंगे तब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है, समुद्र की सतह पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर जो होगा पहला ऑप्शन, समुद्री सतह पर पवन बहती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य तेल निर्माण उद्योग। मत्स्य तेल निर्माण उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चर्म उद्योग, यह सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। तो ऐसे उद्योग जो अपने उत्पादन के लिए, कच्चे माल के लिए कृषि उत्पादों पर आधारित होते हैं, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा जल विद्युत। जल विद्युत ऊर्जा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। परमाणु ऊर्जा, ज्वरी ऊर्जा और बायोगैस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है, वह इनमें से कौन सी विधि है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा प्रवेदन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, प्रवेदन विधि से इनका निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल बी, राजनीतिक लोकतंत्र। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है, लेकिन संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 51, मिलान करें। पहला ऑप्शन है खोंड, तो खोंड का आपको मिलान करना है। तो खोंड का मिलान हो जाएगा उड़ीसा से, और निशी का मिलान हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, बंजारा का जो मिलान होगा महाराष्ट्र से, और गड्डी का कुल्लू से हो जाएगा। तो सही विकल्प की बात करें तो सेकेंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट का बी, सेकेंड का सी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए ऑप्शन सही जवाब है। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था। बाग इसके पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में कहाँ पर स्थित था। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा दक्षिण में। मुगल काल के दौरान नदी तट बाग में मकबरा एक चबूतरे पर बनाया जाता था। बाग इसके दक्षिण में था और मुगल काल में विभिन्न शैलियों का विकास हुआ जिसमें चारबाग शैली, नदी बाग, तट शैली आदि प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकारी क्रम चुने, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा फोर्थ ऑप्शन, तुर्की, खिलजी, तुगलक और सैयद इसका सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55,
अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञानी, संग्रहालय विज्ञानी, इतिहासकार, पुरातत्वविद। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन फोर, पुरातत्वविद कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न सूची पर विचार करें। आल्पस, अरावली, अप्लेशियन, हिमालय, यूराल, वास, जिस सूची में कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा दोस्तों, वास जेस इसका सही जवाब बनेगा, क्योंकि अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है, और अप्लेशियन वलित पर्वत है, और यूराल वलित पर्वत है, और वासजेस भी ब्लॉक पर्वत है। तो ऑप्शन फोर यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 48 का। तो राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस शैली में जीवाश्म मिलने की संभावना है? अवसादी शैल, कायंत्रित शैल, अग्नेय शैल, और सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो राइट आंसर जो होगा सेकेंड विकल्प हो जाएगा, केवल बी ऑप्शन सही जवाब बनेगा, कायंत्रित शैल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है, तो कौन सी भौगोलिक परिघटना होती है, घटित होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, हीट डोम होता है। हीट डोम उस स्थिति को कहा जाता है जब जेट स्ट्रीम समुद्री हवा को एक ढकेलने की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है। यह एक उच्च तापमान की स्थिति है जो कुछ दिनों तक सामान्य ताप से अधिक स्थिति को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण पहले कुछ दशक से हीट डोम का प्रभाव देखा जा रहा है। उत्तर पश्चिम प्रशांत अपने मध्यम जलवायु के लिए जाना जाता है। हीट डोम के कारण गर्मी का अनुभव किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय के समान हैं। तो 58 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा फोर, परिस्थिति और अवसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठिता यानी कि परिस्थिति और अवसर की समानता। संविधान सभा में प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, और इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। यहाँ पर प्रति वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठक करते हैं, सही क्रम चुने। तो 59 का जो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड विकल्प, 5 ग्राम सभा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए प्रावधान किया गया है, और पंचायती राज में त्रिपक्षीय प्रणाली लागू की गई जिसमें सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहुंच, गरिमा, समानता। आधुनिक शिक्षा प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप संचालित होती है, और इसलिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विविध पक्षों पर बल दिया जाता है, जैसे पहुंच, गरिमा, समानता। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा थर्ड विकल्प, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। यह राज्य आंध्र प्रदेश से नए राज्य का निर्माण किया गया। झारखंड तथा उत्तराखंड राज्यों का गठन 2000 में हुआ था किया गया, और मिजोरम राज्य का गठन 1987 में किया गया था। अगला क्वेश्चन 63 है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार चिंता का विषय है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फोर, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कार्य की मौसम अनुसार प्रकृति कार्य उपलब्धता। अगला क्वेश्चन 64 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर जो होगा, सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति है। सार्वभौमिक मताधिकार से आशय सभी व्यक्तियों को मतदान करने की अनुमति से है। भारत में यह अधिकार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को प्रदान किया गया है। भारत संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक मताधिकार से संबंधित प्रावधान है, और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान के अधिकार को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग।
तो दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।